सो गाइस, सेकंड जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 को लेके बहुत सारे अपडेट्स निकल के आई है एंड यहाँ पे मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ एंड जितने भी अपडेट्स आई है सब इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कौन से चैनल पे लाइव आने वाला है, कहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, क्या इसका लाइव टेलीकास्ट होगा भी कि नहीं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। एंड इससे पहले आप में से जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलते रहेगी। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि इंडियन कबड्डी टीम के जो कप्तान, वो यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं, अंकुश राठी रहने वाले। एंड जैसे कि मैंने आपको कैप्टन वाले वीडियो में बताया था कि नरेंद्र कंडोला या फिर अंकुश राठी, इन दोनों में से कोई एक होगा, एंड वैसा ही हुआ, अंकुश राठी कैप्टन है। मैं सेटिस्फाई हूँ, अच्छा ऑप्शन है, इनके पास एक्सपीरियंस है, फाइनल मुकाबला खेले, प्लेऑफ का मुकाबला खेले, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड वो काम आने वाला है। एंड डेट की बात की जाए तो डेट पोस्टपोन्ड हुआ है, बिकॉज बहुत सारे टीम्स नहीं पहुंची थी, इंडिया की टीम भी 26 फरवरी को पहुंची थी, इसी कारण जो डेट है लीग का वो यहाँ पे 28 फरवरी को कर दिया गया। एंड 28 फरवरी से लेके 4 मार्च तक सेकेंड जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप होने वाला है, यानी कि 4 मार्च को फाइनल खेला जाएगा एंड 28 तारीख से जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। एंड आज के दिन यानी कि 27 फरवरी को जो प्लेयर्स है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लेयर्स का वैगिंग हुआ, इस टाइप का बहुत सारे चीजें वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड आज के दिन ही जो उर्मिया जहाँ पे होने वाला है वहां सभी टीम्स पहुंच जाएगी, यही अपडेट निकल के आई है। एंड आज के दिन जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो भी यहाँ पे उसका लिस्ट हमारे सामने आया था, जहाँ पे जो टीम्स है उनका प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, यानी कि जो टीम्स जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ पे टर्की और भी सारे जो कंट्रीज है उसके लिस्ट आप देख ही सकते हो कि कब कब ट्रेनिंग था ईरान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, जहाँ पे इंडिया का जो ट्रेनिंग टाइम था वो यहाँ पे शाम के 4 बजे था, यानी कि सभी टीम्स पहुंच चुकी है वेन्यू पे एंड अब प्रैक्टिस कर रही है, यानी कि वार्म अप कर रही है। एंड डेफिनेटली 28 तारीख से जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाने वाला है। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में, कहाँ पे लाइव आने वाला है। बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड ट्विटर पे भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली नहीं आया कि इस चैनल पे आएगा इंडिया की, लेकिन जब ऑफिशियल टीजर आया था, मैं आपको बता दूं कि सेकंड जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप का एक ऑफिशियल टीजर आया एंड उस टीजर के एंड में जब लोगो रिवील हुआ एंड उसी के नीचे बहुत सारे लोगोस थे कबड्डी फेडरेशन के, एंड उसी में एक चैनल का लोगो भी हमें देखने को मिला है। आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो जहाँ पे एक चैनल का लोगो है जिसमें एक वर्जेस करके चैनल है, मैं आपको बता दूं ये एक ईरान का लोकल स्पोर्ट्स चैनल, जहां पे बहुत सारे स्पोर्ट्स आते हैं जैसे कि इंडिया के स्टार स्पोर्ट हो गया, सोनी नेटवर्क हो गए, वैसे ईरान का लोकल चैनल है इरिब वर्जेस करके, वर्जेस टीवी आपने सुना ही होगा। एंड इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था वो भी उस चैनल पे लाइव आया था एंड और भी सारे इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स उस चैनल पे लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। एंड ईरान की बात की जाए तो ईरान पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी चैनल पे इस टूर्नामेंट का लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है। एंड अगर इंडिया में कोई भी यूट्यूब चैनल हो गया या फिर कोई भी ऐसा एक ऑफिशियली OTT प्लेटफॉर्म हो गया उस पर नहीं आता है तो डेफिनेटली आपको वर्जेस टीवी पे ही देखना पड़ेगा। अब इसके क्या तरीके हैं, सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वेबसाइट इसका होगा लेकिन शायद से नहीं खुलेगा, खुल भी सकता है, नहीं खुलेगा तो आप VPN लगा के भी खोल सकते हैं, और भी सारे मैटर्स हो गए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा जिसके तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग को डायरेक्ट सिर्फ स्कोर ही देखने को मिलेगा। अब जितना समय और कटेगा और पास आएगा टूर्नामेंट हमें और सारे अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ तरीका नहीं पता चला जिससे हम श्योर हो सकते कि यहीं पे लाइव आने वाला। अभी तो लोकल चैनल के बारे में ही नहीं पता चला है कि ईरान में कहाँ पे लाइव आने वाला, तो इंडिया का तो भी बहुत टाइम है, लेकिन मुझे लगता है जितना मुझे पता चला है कि शायद से यूट्यूब चैनल पर ही आ सकता है, बिकॉज जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है एंड लाइव स्ट्रीमिंग ना हो ये बहुत अजीब है सुनने में, लेकिन देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ कंफर्म है कि हाँ लाइव होगा, लेकिन कहाँ पे होगा ये अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं आया, अभी तक तो शेड्यूल भी नहीं आया है, तो लाइव स्ट्रीमिंग तो बहुत दूर की बात है। तो यही अपडेट थी जो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है एंड डेट्स चेंज हुए एंड और भी सारे चीज़ जो चेंज हुए, कप्तान अनाउंस हो गया जो मैंने आपको बता दिया। एंड ऐसी छोटे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे मैं आपको बता देने वाला हूँ, जैसी चैनल का नाम आता है अनाउंस होता है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता देने वाला हूँ, अगर ऐसा कुछ लिंक टाइप आता है वो भी टेलीग्राम पे शेयर कर देने वाला, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं आपको बता देने वाला हूँ।
तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, स्पेशली जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है एंड इतना करीब आ चुका है, एक दिन ही बचा हुआ है एंड इसको लेके कुछ भी ऐसा अपडेट नहीं आया है, तो ये थोड़ा अजीब है। अब देखो क्या होता है, जो हो रहा है वो मैं आपको बता दिया है एंड आपकी क्या राय है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।